कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव और शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार विहार प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज धर्म संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 5020007335817, IFSC कोड HDFC000127, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV8567E, मेल ID VVSP साधु सेवा ट्रस्ट@gmail.com। सेन जिनने दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदेतम सर्वदा शीर्षा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सर्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, मुनि श्री सदानंद जी महाराज की, मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज की जय। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार का प्रत्येक प्राणी इस संसार में दुखी इस कारण नहीं है कि कोई हमें दुखी कर रहा है। वे दुखी इसलिए है कि जो मेरी बुरी आदतें हैं मैं उन्हें कैसे छोड़ूं, और वो बुरी आदतें मुझे परेशान कर रही हैं। कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता है, ना ही किसी व्यक्ति ने दुखी किया है किसी को। अगर कोई व्यक्ति दुखी हुआ है तो वो अपने मन से या वचन से कोई ऐसा कोई शब्द बोल दिया है या कोई क्रिया ऐसी कर दी है, उस कारण वो दुखी हो रहा है, या उसकी कोई बुरी आदत है, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा खर्च करना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हंसना, या फिर ना पढ़ना, समय पे सही क्रियाएं ना करना, जैसे जिस समय पे पढ़ना था उस समय पे नहीं पढ़े, जिस समय पे शादी करनी थी उस समय पे विवाह नहीं किया, शादी नहीं करी, उस लिए परेशान हो रहे हैं। अब सामने वाले को हम दोषी बना रहे हैं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि दोषी हम अपने आप को कहें, और इस कारण वह व्यक्ति दुखी है क्योंकि उसने अपनी आदतों के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लिया। जब रिश्ते आ रहे थे तब शादी नहीं करी, जब शादी करनी चाहिए तब रिश्ते आने बंद हो गए, जब माँ बाप ने कहा पढ़ लो तो पढ़े नहीं, अब पढ़ने का मन हो रहा है, उम्र निकल गई, न याद होता न कुछ होता। पिता ने कह कह के समझा समझा के थक गए हैं, बेटा कमा लो, कुछ पैरों पे खड़े हो जाओ, कुछ बन जाओ, लेकिन अपनी मौज मस्ती में अपनी शान और शौकत दिखाने के चक्कर में हमने वो सही समय निकाल दिया, और अब हम अच्छा बिजनेस नहीं कर पाए, हमें जो सीखना था वो सीख नहीं पाए, और उन बुरी आदतों के कारण हम परेशान हैं। एक व्यक्ति ने
बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया है, चुनाव में इलेक्शन में खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार अच्छा कर लिया है। सब लोगों की जवान पे यही है कि ये व्यक्ति जीतेगा। और आखिरी में रिजल्ट जब आया तो व्यक्ति हार गया। मीडिया वाले उसके पास पहुँचे, पूछा आप तो जीत रहे थे, हार क्यों गए? तो उस व्यक्ति ने कहा, जीत तो रहा था लेकिन मेरे जीवन में मैंने कोई बुरा कार्य कर दिया था जो आज लोगों को पता लग गया, इस कारण मैं आज हार गया। हमारे जीवन में कभी कभार हमसे ऐसी बुरी क्रियाएं हो जाती हैं, हमारी जो आदत है उन बुरी आदतों के कारण हमें पछताना पड़ता है, हमें रोना पड़ता है, हमें दुख देखना पड़ता है। और उस समय वो सवाल खड़ा होता है कि इन बुरी आदतों को हम कैसे छोड़ें, हम अपनी बुरी आदतों से कैसे बचें। एक बार करो, दो बार करो, हजार बार करो, लेकिन एक काम को दो बार करते हो तो वो आदत बन जाती है, वो क्रिया नहीं रहती। महानुभाव, हम अपने जीवन में अपनी बुरी आदतों से कैसे बचें? तो आचार्य भगवान ने, नीतिकारों ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है और उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदन यो मध्य शीतला साधु संगति। लोक में शीतल क्या है? चंदन। और चंदन से भी शीतल क्या है? चंद्रमा की किरणें। पौष की रात में चंद्रमा की चांदनी में बैठ करके भगवान का स्मरण करो तो बड़ा अच्छा लगता है। अब तो एसी आ गए, कूलर आ गए हैं, सुविधाएं प्राप्त ज़्यादा हो गई हैं। पहले ये सुविधाएं नहीं थी, लोग गर्मी के समय में रात्रि का इंतज़ार करते थे और चंद्रमा के उसकी चांदनी में बैठ करके, उसकी शीतलता में बैठ करके अपनी दाह को दूर करते थे। उस समय की बात बता रहे हैं, अब तो वो चीज़ें नहीं रही। गर्मी लगी, एसी चला लो, कूलर चला लो, पंखे चला लो, बड़े नए नए टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ गई हैं। उस समय नीतिकारों की बहुत अच्छी बात लिखी है, सबसे अच्छी चीज़ है चंदन। ज़्यादा दाह पैदा हो गई है तो चंदन का लेप शरीर पे लगा लिया करते थे, और उससे भी ज़्यादा शीतल है चंद्रमा। किंतु चंद्रमा और चंदन, इन दोनों से भी शीतल अगर कोई है वो है गुरु संगति। अगर हमें अपने जीवन में अपनी बुरी आदतों से बचना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ना छोड़ करके कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होगा। बस बुरी आदतों से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ है हमारी संगति। हमारी संगति कैसी है उस पर ध्यान रखें। माता पिता तुम्हें पढ़ा लिखा करके बड़ा कर सकते हैं, आज की जो नौजवान पीढ़ी है, उस आज की नौजवान पीढ़ी ये सोचती है कि हमारे माता पिता ने हमें पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया है, हमारे पैरों पे खड़ा कर दिया है, तहा उम्र पूरी जिंदगी ये हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देंगे। ये आपकी गलत फहमी है। माता पिता ने आपको पैदा किया है। हर माता पिता का सपना होता है कि हम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करें, खेल खिलौने, पढ़ने लिखने की किताब, समय समय पर जो उसको आवश्यकताएं हों वो पूरी दें और उसको एक स्टैंड कर दें, उसके पैरों पे खड़ा कर दें और वो अपना जीवन अच्छे से जी ले। ये हर माता पिता का सपना होता है। लेकिन बच्चा अगर ये सोचने लगे कि मेरे माता पिता हर कदम पे मेरा साथ दें या देंगे, ये गलत है। नौजवान पीढ़ी, या ये कहें कि जो समय चल रहा है वो थोड़ा सा संभलने का है। नौजवान पीढ़ी को अपने जीवन के बारे में सोचना होगा, तुम्हारी संगति कैसी है, अपनी संगति पर ध्यान देना होगा। चार दोस्त मिलकर के आपको अगर गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, जुआ खिला रहे हैं, सट्टा लगवा रहे हैं, तो सोच लेना वो दोस्त आपके अच्छे दोस्त नहीं है, उन मित्रों से आपको बचना होगा। अगर आप भोग विलासता में पड़ रहे हो, आपके दोस्त अगर आपको भोगी विलासी बना रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, सब काम करा रहे हैं, लेकिन धार्मिक क्रियाएं नहीं करा रहे, तो सोच लेना कि वो मित्र आपके अच्छे मित्र नहीं हैं, उनसे आपको बच के रहना होगा।
इसलिए बुरी आदतों से बचने के लिए सबसे पहले आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। हम बुरी आदतों से कैसे बचें, बुरी आदतें आई कहाँ से, याद रखना बिगाड़ने का काम सबसे पहले तुम्हारे मित्र करेंगे। शराब कोई माता पिता नहीं पिलाते, जो तुम्हारी संगति है वो संगति कैसी है उस पर ध्यान रखो। वो लड़की या वो लड़का बुरा है या अच्छा है, अगर बुरा है आज ही छोड़ दो, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो। और अगर भिखारी भी अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, तो उसकी संगति कर लेना। पूज्य आचार्य भगवंत चारी चकवती श्री शांति सागर जी कहा करते थे, अगर संस्कार अच्छी शिक्षा नीच से भी मिले तो ग्रहण कर लेना, और बुरे संस्कार अगर ऊंच से भी मिले तो उसको छोड़ देना, उसी समय उसका त्याग कर देना, चाहे वो तुम्हारा निकटवर्ती ही क्यों ना हो। इसलिए आचार्यों ने दिया है पहली संगति, हमें अगर बुरी आदतों से बचना है तो पहले हमारे जीवन में अच्छी संगति होनी चाहिए, हम बुरी चीज़ों से बचें। बुरी संगति चाहे वो यार दोस्तों की हो, चाहे वो आज के समय में जो नई टेक्नोलॉजी है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये चीज़ें किस लिए बनी है इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। ये अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, व्यापार के लिए बनी है, इनसे जो क्रिया जिसके लिए बनी है वो चीज़ें करें, आप इनसे इनका दुरुपयोग ना करें। जितना दुरुपयोग करोगे बिगाड़ आपका ही होगा। मोबाइल में सब कुछ है, आप चाहो तो मोबाइल से जुआरी भी बन सकते हो, आप मोबाइल से चाहो तो पुजारी भी बन सकते हो। मोबाइल में सब कुछ है, इन टेक्नोलॉजियों के माध्यम से आपके पास सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन याद रखना सुविधाएं तो आ गई हैं, सुविधाओं का दुरुपयोग मत करो, क्योंकि उससे आपका ही अहित होगा। इसलिए बुरी आदतों से बचना है तो पहले अच्छी संगति रखें। दूसरी बात, अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना। प्रत्येक चीज के एक सिक्के के दो पहलू हैं। गुरु में भी बुराइयाँ मिल जाएंगी, किसी को डांट रहे हैं, किसी को पुचकार रहे हैं। जब हमने गुरुकुल में प्रवेश किया था तो पूज्य आचार्य गुरुदेव शिवसुनंदी जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि बेटा मेरे गुणों को ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण मत करना। मेरे बहुत सारे दायित्व हैं, किसी को पुचकारना, किसी को डांटना, किसी को स्थान देना, किसी को नहीं देना, गुरु के बहुत सारे दायित्व होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के माँ के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। कोई भी व्यक्ति दूध का दूल्हा नहीं है। अगर खोट निकालो तो भगवान में भी निकाल सकते हो कि भगवान पत्थर का है, बोलता नहीं। और अगर अच्छाई देखो तो कह सकते हो देखो नासा पर दृष्टि है, मुखमंडल देखो, आभा मंडल देखो, कैसी सौम्य छवि है, कैसा मुखमंडल है। देखने की दृष्टि हमारी है, चाहो तो अच्छे देखें, चाहे हम बुराई देखें। इसलिए अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को भी हमें ग्रहण करना होगा। देने वाला तो कुछ भी नहीं देगा। हाँ, याद रख लेना, आप लोगों को जो भी ग्रहण करना है आपको ही करना है। लिया जाता है, देता कोई नहीं है। सामने तो सारी चीज़ें पड़ी हैं, गंदगी भी है, अच्छा और सफाई भी है। तुम्हारे ऊपर है तुम कहाँ चल रहे हो, तुम्हारे ऊपर है तुम क्या खा रहे हो। गुड़ भी है और गोबर भी है, क्या खाओगे, ये तुम्हारे पास है। महानुभाव, अपनी संगति को अच्छी रखें। दूसरा, अपने विचारों को, अपने विचार अच्छे अच्छे विचारों को, संस्कारों को ग्रहण करें, और उसके साथ साथ अच्छे विचार हमारे जीवन में हो। जो सोचना है अच्छा सोचो। ये याद रखना, जैसी तुम्हारी सोच सामने वाले के प्रति होगी, ऐसी ही सोच सामने वाले की तुम्हारे प्रति होगी। तुम बुरा सोचोगे वो बुरा सोचेगा। चाहे ऐसा नहीं समाज, अगर घर में दो भाई बहन हैं, दो बहनें हैं, दो भाई हैं, अगर एक बहन दूसरी बहन के बारे में बुरा सोच रही है तो दूसरी वाली बहन भी उसके बारे में बुरा ही सोचेगी। बहन ने उसके लिए खाना पीना, नाश्ता, चाय पानी, उसके कपड़े धोना, सारे काम कर दिया है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, ग्यारहवें दिन स्वयं कहेगी वाक्य में, मैं कैसी भी हूँ लेकिन मेरी बहन बड़ी अच्छी है, मेरा भाई मेरा ध्यान बहुत रखता है। इसलिए अपने जीवन में याद रखना कि अच्छे विचारों को,
our thoughts is a good. Good are thoughts for good feelings. आपके विचार अच्छे होंगे तो आपके परिणाम आपकी भावनाएं भी अच्छी होंगी. इसलिए अच्छी संगति, अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और उसके साथ साथ अच्छी क्रियाएं. आप जो क्रिया कर रहे हो वो क्रिया कैसी कर रहे हो उस क्रिया पे भी ध्यान दो. अगर आप बुरी क्रिया करोगे तो आपकी आदतें बुरी बन जाएंगी. एक बार आपने बुरी क्रिया कर ली है, शराब ढक्कन से शुरू होती है. लोग कहते हैं शराब ढक्कन से शुरू होती है और ज़रूरी नहीं है बोतल पे समाप्त हो जाए. इसलिए एक बार गंदी आदत पड़ गई, गंदी क्रिया एक बार कर लोगे तो संस्कार भी आपके अंदर गंदे पड़ जाएंगे. इसलिए अपने जीवन में अच्छी क्रियाएं करें जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में अपनी अच्छी आदतों के कारण सुखी रहोगे. जाने वाला व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करने भी जा रहा है, एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है पैदल, दो व्यक्ति हैं वही समय है, सुबह उठ करके 5 बजे का समय है, जैसी पौ फटी है घूमने के लिए निकल गए हैं. दोनों के व्यक्ति दोनों पैदल चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं. दोनों को डॉक्टर ने बताया है कि आपको घूमने जाना है सुबह 5 बजे. बस अंतर इतना है, एक लोटा लेकर मंदिर चला गया है भगवान का अभिषेक करने, एक हाथ में डंडा लेकर के पार्क में चला गया है. दोनों में बस अंतर इतना है, क्रियाओं का अंतर है. बाकी 2 किलोमीटर दोनों का चलना है, 1 किलोमीटर जाना 1 आना. लेकिन ये क्रियाओं के अंतर से अंतर कितना आया, मंदिर गया, चेहरे के हाव भाव, अंतरंग में हर्ष, उल्लास, उमंग, प्रसन्नता है. एक व्यक्ति पार्क से आकर के घर में बैठा है, थका है, हताश है, उदास है, निराश है और 10 बार कह रहा है कि क्या करूं, बीमारी के कारण चलना पड़ रहा है. दोनों में अंतर है. इसलिए अपनी क्रियाओं पर ध्यान दें. जो आपके पास क्रियाएं हैं, सुविधाएं हैं, साधन जो हैं, उन साधनों का सदुपयोग करें. बोतल में दूध भी भर सकते हो, पानी भी भर सकते हो, तेजाब भी भर सकते हो और शराब भी भर सकते हो. इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी क्रिया कर रहे हो, उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा. इसलिए अपने जीवन में मन से, वचन से, काया से कौन सी क्रिया कर रहे हो, अच्छे अच्छे विचार रखो, शब्दों का अच्छा उच्चारण करो. जी रहे हैं, कट रही है, गुजारा कर रहे हैं, हे भगवान जी करता है फांसी लगा लें, मर जाएं, फांसी खाई में कूद जाएं, ट्रेन के या बस के नीचे आके मर जाएं, या बच्चों से हमने बोल दिया कि बड़ा बेटा मेरा है, छोटा बेटा तुम्हारा है, क्या ज़रूरत थी बोलने की इन शब्दों को. किसने कहा था आपको ये शब्द बोलने के लिए? अब बच्चे भी ऐसे ही कह रहे हैं, माँ मैं मर जाऊँ. पिता, किसी ने पूछा तुम किसके बेटे हो? पापा का. क्यों? मम्मी के नहीं हो? मम्मी का तो बड़ा है. हमने अपने कारण ही अपने आप को बिगाड़ लिया है. सामने वाले से हमने वो शब्द भी तैयार कर दिए हैं. इसलिए हमारी क्रियाएं भी अच्छी हों. संगति हमारी जब अच्छी होगी तो हमारे विचार, हमारे आचार, हमारा व्यवहार सब अच्छा अच्छा होगा. महानुभाव, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ा लिखा करके नीला धुलाया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, घुमाया फिराया, बड़ा कर दिया. अब ठेकेदारी नहीं है कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर दिया, पूरी ज़िंदगी तुम्हारा साथ देंगे. आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप समझदार हो, होशियार हो, पढ़े लिखे हो, ध्यान रखो आपकी संगति कैसी है. एक गांव में 2 युवा बच्चे थे, उनकी उम्र थी 12-13 साल की, दोनों मित्र थे. एक का नाम गोलू था, एक का नाम मोलू था. बच्चों की कहानी है, एक मोटा था, एक पतला था. उनको मोटू पतलू कहा करते थे, नाम थे उनके गोलू मोलू. एक दिन एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे, जंगल पार करके. जंगल में अचानक सुनसान रास्ते से जा रहे थे तो भालू आ गया. जो पतलू था वो पेड़ पर चढ़ गया. मोटू ने कहा मुझे भी ऊपर ले ले, तो उसने तो मुंह फेर लिया. उसने आवाज़ लगाई,
तो उसने कहा भैया तुझे कौन ऊपर चढ़ाए, अब तो कान भी बंद कर लिए, और अपने आप ऊंची से ऊंची डाल पे जाके चढ़ गया जिससे कि भालू ऊपर ना चढ़ जाए। इतने में भालू आ गया है, अब वो क्या करे, उसने आव देखा ना ताव देखा, जहाँ था वहीं की वहीं जमीन पे गिर गया और आँख मीच करके लेट गया। अब क्या करूँ, अब क्या करेगा भगवान, क्या करेगा, जो करेगा भालू करेगा। लेट गया, भालू ने उसे सूंघा, मरा समझ के चला गया। जानवरों के भी कुछ अदब कायदे कानून होते हैं, जरूरी नहीं है इंसानों के हो या ना हो। भालू वहाँ से चला गया, पतलू नीचे आया, उसने पूछा सुन भालू तेरे कान में क्या क्या कह गया। तो उसने कह दिया कि भालू ने कहा है कि अपने इस मित्र से बच के रहना। उसने कहा क्यों, उनने कहा कि जो संकट के समय में काम ना आए वो मित्र नहीं वो दुश्मन होते हैं। मानो बाप, ये तीसरी क्लास की बच्चों की कहानी है, कभी बचपन में पढ़ी थी याद आ गई। हम ध्यान रखें कि हम संगति कैसी कर रहे हैं। आज का माहौल, आज का समय परिवर्तनशील है, बहुत तेज गति से बदल रहा है। सारी व्यवस्थाएं डामाडोल हो गई हैं, सब व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं, चाहे देश की हों चाहे धर्म की हों। ऐसे समय में सावधान रहना होगा। जब लंका में आग लगी थी तो हनुमान जी से पूछा गया कौन बचेगा, तो हनुमान जी ने बहुत अच्छी बात कही विभीषण से कि जो धर्म की छाया में होगा, जो राम की शरण में होगा वो बचेंगे, बाकी कोई नहीं बचेगा। महानुभाव, ये पंचम काल है, दुखमा काल है, गिरता हुआ काल है, समय दिन ब दिन बुरा होगा। इसलिए धर्म की छाया माने माता पिता अपने बच्चों को गुरु से जरूर जोड़ के रखें। अच्छी संगति बनानी है, अच्छे संस्कार धारण कराने हैं, तो पहला दायित्व माता पिता का बनता है। उन माता पिताओं के लिए विशेष तौर से कह रहे हैं कि बच्चों को भगवान से जोड़ो या ना जोड़ो, गुरु से जोड़ के रखो। आज लोगों ने एक उल्टा क्रिया कर ली है, पहले जब बच्चा पैदा होता था तो गुरु के चरणों में ले जाकर के उसे नमोकार मंत्र सुनवाया करते थे, और जब बच्चा 8 साल का होता था उसे नैष्टिक शावक की दीक्षा दिलाया करते थे, उससे उसी समय उसका गुरु बनाया करते थे और उससे कहा करते थे इनकी शरण में रहना है, इनसे ही तुम्हें अपना कल्याण करना है, जैसे ये कहेंगे वैसे ही चलना है। आज माता पिता ने बच्चों को भगवान से तो जोड़ दिया लेकिन गुरु से नहीं जोड़ पा रहे। इसलिए पुराने लोगों के बच्चों में माता पिता की सेवा करना, चरण छूना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, ये कार्य हुआ करते थे। कारण, क्योंकि गुरुओं के नियम ही यही हैं, माता पिता की सेवा करो, मंदिर जाया करो, पूजा पाठ किया करो, शास्त्रों को पढ़ा किया करो, थोड़ा धर्म और थोड़ा कर्म किया करो, दोनों में संतुलन बना के जिया करो, ये गुरु की शिक्षाएं हैं। इसलिए विशेष तौर पे आज आप सभी से ये बात जरूर कहेंगे कि अपने जीवन में अपने बच्चों को गुरु से जरूर जोड़ो। दूसरी बात, जो युवा पीढ़ी है, किसी से जुड़े या ना जुड़े, आप लोगों को गुरु से जरूर जुड़ना होगा। अगर अपना कल्याण करना है, अपनी आदतों को सुधारना है, तो आपको अपने जीवन में गुरु से जुड़ना पड़ेगा। बीटेक, एमटेक, आईएएस, आईपीएस, आरजेएस, एमबीबीएस, ये बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से कल्याण नहीं होगा, कल्याण गुरु करेंगे, उनकी शिक्षा से कल्याण होगा। जो चाहो अपनो कल्याण ताही सुनो भवि मनिर्थान, दौलत राम जी ने 6 डाला में स्पष्ट दिया। 6 डाला शुरू करने से पहले ही दिया है कि अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो गुरु की शिक्षा को मन स्थिर करके ध्यान से सुनो। महानुभाव, पहली बात कि गुरुओं से माता पिता अपने बच्चों को जरूर जोड़ें और खुद भी जुड़ें। भगवान के मंदिर से कल्याण नहीं होगा, भगवान तो इतना ही कह रहे हैं कि मेरे जैसा बनना है तो बस हाथ पे हाथ धर के ऐसे बैठ जाओ।
बस चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो यही कह रहे हैं कि मुस्कुराहट क्यों, कर्म पीछे से आए चाहे आगे से आए, आपको समता भाव से धारण, समता भाव धारण करके सहन करना होगा, भगवान ने संकेत संदेश दे दिया है, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं संकेत दे रहे, बाकी शिक्षा तो गुरु देंगे, गुरु से जोड़ें। दूसरी बात, माता पिता गुरु से सलाह विचार करके, जो भी युवा पीढ़ी नई जो स्टैंड हो रहे हैं बच्चे, वो बच्चे माता से पिता से नहीं तो गुरुओं से, जब आपने गुरु बना लिया है तो उनसे सलाह करके काम करें। दिया भी है कि बच्चों और स्त्रियों की सलाह से लाभ नहीं होता, वृद्धों की सलाह से लाभ होता है, और अगर गुरु की सलाह मशवरा करके, गुरु से सलाह मशवरा करके काम करते हो तो फिर तो वो कार्य अतिशयकारी होगा, लाभकारी नहीं अतिशयकारी होगा। इसलिए जो नए युवा पीढ़ी के लोग खड़े हो रहे हैं, जिनके हाथों में परिवार की भागा दौड़ी या फिर समाज की डोर जिनके हाथ में है, जिनके हाथ में देश की डोर है, धर्म की डोर है, घर गृहस्थी जो संभाल रहे हैं, वो लोग अपने जीवन में अपने बड़े बुजुर्ग जो आपके दादा दादी हैं, आपके माता पिता हैं, और कभी कभार ऐसा हो जाता है माता पिता पे इतना विवेक नहीं है, कोई बात नहीं, गुरु से सलाह लेकर के काम करने में कोई हानि नहीं है, छोटा बनने में लाभ है, बड़ा बनने में तो खाने को टिक्कड़ मिलेगी, जरूरी नहीं है घी लगी भी मिल जाए, लेकिन छोटे बन के तो दूध मिलाई मिलती है, खाने को लड्डू मिलते हैं, इसलिए छोटे बनने में लाभ ही लाभ है। जितने बड़े बनोगे उतनी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जितने छोटे बनोगे उतना लाभ होगा। इसलिए विशेष तौर पर दो बातें जरूर ध्यान रखें, प्रत्येक व्यक्ति गुरु से जरूर जुड़े, और गुरु से जुड़ने के बाद उनसे कोई भी काम हो तो सलाह मशवरा करके काम करें। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण के भाग दो में 38, 39 और 40वें अध्याय में स्पष्ट दिया, 93 क्रिया दी हैं, 91 और 93 108 क्रिया टोटल दी हैं, उनमें प्रीति क्रिया, सुप्रीति क्रिया, मोद की क्रिया, अनुमोद की क्रिया, जो क्रियाएं दी हैं सब दिया है कि शादी करनी है तो कैसे करनी है, संतान करनी है तो कब करनी है, नामकरण भी 12 दिन बाद करना है, चटाने की विधि, बिठाने की विधि, कपड़े पहनाने की विधि, बाल कटाने की विधि, सारी विधियाँ दी हैं। ऐसा नहीं है किसी भी क्षेत्र में हमारे आचार्यों ने कमी छोड़ी हो, जीने से लेकर तक के मरने तक की सारी कलाएँ दी हैं, पूरा विश्व जीने की कला जानता है, चाहे वो फूड थेरेपी हो, चाहे मसाज थेरेपी हो, अलग अलग थेरेपी दिए हैं, योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जिम, अलग अलग चीज़ें दी हैं, पूरा विश्व जीने की कला जानता है, मात्र एक जैन धर्म ऐसा है जिसमें जीने और मरने की दोनों कला है। हम अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना शुरू कर देंगे तो हम अपने जीवन में बुरी आदतों से बच जाएंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में अच्छी आदतों को स्वीकार करें, बुरी आदत बहुत जल्दी आ जाती है, अपने जीवन में अच्छी आदतों को पालने की कोशिश करें, बुरी क्रियाओं से बचें, बुरी आदतों को स्वीकार करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए आप अपना शुभ और मंगल प्राप्त करें, ये भावना भाते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।